जय हिंद दोस्तों। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल VY TV20। दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों, जो नेशनल मीडिया NDTV है, उन्होंने दोस्तों हमारा मुद्दा को दोस्तों उठाया है। और भी जो नेशनल मीडिया है, उन्होंने भी दोस्तों हमारा जो मुद्दा है, SSC जीडी 2018 का जो मैटर है, उस मैटर को दोस्तों, उस मुद्दा को उठाया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, जो SSC जीडी 2018 का कैंडिडेट है, उनको क्या करना है दोस्तों, जो NDTV का जो यूट्यूब पर जो वीडियो लिंक है, उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो ट्वीट किया है, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है, जो ट्वीट किया है NDTV ने, उस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, रीट्वीट करना है, ठीक है ना। तो जितना भी SSC जीडी 2018 का कैंडिडेट है, प्लीज़ आप उस ट्विटर पे जाओ। ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, NDTV का डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ आप उस ट्विटर अकाउंट में जाकर दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट ट्वीट करो, ठीक है ना। और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो बात दोस्तों और भी आगे हमारा जो मुद्दा है, उस मुद्दा को दोस्तों आगे पहुँच जाए, ठीक है ना। तो प्लीज़ कृपया करके दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखो NDTV ने क्या बोला है, ठीक है ना, पूरा वीडियो को जरूर करने के लिए मजबूर हैं, नौकरी का सवाल है। रात में ये बंगला साहब गुरुद्वारे में खा रहे हैं और फुटपाथ पर सो रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार के मुंगेर जिले की रहने वाली 21 साल की प्रीति हमसे बात करते करते भावुक हो जाती है। 2018 में SSC GD की परीक्षा पास कर मेडिकल भी क्लियर करने वाली प्रीति को 3 साल गुजर जाने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। पिता मजदूरी करते हैं, इसलिए दिल्ली में कहीं कमरा लेकर रहने की हैसियत नहीं है, तो बंगला साहब के लंगर में खाना खाकर बाहर फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर है। हम लोग को फौज में जाना है, बट ये सब समझ नहीं रहे। फौज में जाना चाहते हो? हाँ जी, हम सब कुछ रिटर्न मेडिकल फिजिकल सब पास किए हुए हैं, बट फिर भी हमें मेरिट से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं ये लोग, यहाँ प्रशासन के लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे तो देखते नहीं है, पूरा बैरिगेटर लगा के रखे हैं, रोज टाइम ही देते हैं। खाना कहाँ खाते हैं? वहीं गुरुद्वारे में खाते और ऐसे ही सोते हैं, वहाँ पे भी नहीं रहने देते हैं। हम लोग तो कभी कभी एक टाइम खाना खाते या फिर ऐसे ही सो जाते हैं, हम लोग अभी ऐसे ही उठ के आ गए हैं। यहाँ अपनी कहानी बताते बताते लगभग हर छात्र भावुक हो जाता है। किसी की जेब में ना पैसा है, ना घर वालों के पास इतना पैसा कि इनको आगे और पढ़ा सके। हम इसलिए भावुक हो रहे सर, 11 महीने ज्यादा हो गया, 3.5 साल वेट किए, उसके बाद इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दिया, सीट रद्द में हुए नहीं दिया। हम लोग पैसे नहीं रहते, कैसे कैसे यहाँ बहने और भाइयों आते हैं, टिकट लेकर के, उधार कर्जा लेकर के टिकट लेकर के आते हैं, कौन सुनेगा बात बताइए। घर वालों को सिर्फ मेरे से उम्मीद है, मेरे परिवार को मेरे से उम्मीद है। मेरे फादर है, 4 भाई हैं, उनमें से मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि सभी हालत ख़राब है, कोई को पढ़ा नहीं सकते। मेरे घर वालों को मेरे पर कि ये पढ़ लिख के हमारे लिए कुछ हमारा नाम रोशन करेगा। मेरे घर वालों ने गिरवी जमीन रख दी सर, करीबन 10 से 15 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा है। मैं क्या, अगर मेरे रोजगार नहीं मिले ना, तो पहले मुझे उम्मीद थी घर वालों को, ये बोलते मेरे से कि अगर हम तुझे पढ़ा लिखा नहीं करते, हमारी गिरवी जमीन नहीं होती, तो हम कम से कम उसमें हमारा पेट पालन कर रहे थे। लेकिन आज हमारे पास वो भी नहीं है, क्योंकि अगर तुमसे उम्मीद टूट गई ना, तो हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ ये काम जहर खा के मर जाएंगे। दरअसल 2018 में SSC GD की लगभग 60,000 भर्तियां आई, जिसमें लगभग 1 लाख बच्चों ने लिखित, शारीरिक और मेडिकल परीक्षा पास की, जिसमें मात्र 55,000 बच्चों को लिया गया। और इस प्रक्रिया में 3 साल का वक्त लग गया, जिस वजह से ज्यादातर बच्चे अब ओवर एज हो चुके हैं। इस दस्तावेज के मुताबिक अब भी 5,000 पद रिक्त हैं, फिर भी इन बच्चों का चयन नहीं हो रहा। इन बच्चों का साथ देने मंगलवार को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पहुंचे थे। ये जो बच्चे हैं, ये किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, सपना है वर्दी पहनने का। और सोचिए 11 महीने से यहाँ पर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रात में इस ठंड में इस फुटपाथ पर सोते हैं। तो ये कहानी है, हकीकत है, और ये सब रिटेन, इंटरव्यू, मेडिकल सब क्लियर कर चुके हैं। फिलहाल उम्मीद कुछ भी नहीं है, इनके इनका ठिकाना है ये फुटपाथ दिल्ली का। और कब तक रहेंगे आप लोग? जो है ऑल टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, ऑल टेस्ट क्वालिफाई। ये भाई झंडा लगे खड़े, इधर आओ, इधर आओ, भारत का झंडा लेके खड़े हो, क्या भावनाएं हैं आपकी? भर्ती होना चाहते थे? हाँ सर।
कहाँ से हैं, नाम बताइए। वेस्ट बंगाल से, विश्वजीत विश्वास। विश्वास साहब, आप झंडा लगे खड़े हैं, तो क्या देश के लिए क्या करना चाहते थे, क्या सोच के आपने फॉर्म भरा? देश के लिए तो सर जान भी दे सकते हैं हम, जान भी दे देंगे। सर एक आशा था हमारा, हम एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट है, 3 साल इंतजार करने के बाद तो सर हमारा पूरा खत्म कर दिया है सरकार ने। सरकार कोई बात सुन रहा है आपकी? नहीं, कोई क्या क्या करती है पुलिस, क्या कहती है आप यहाँ प्रदर्शन करते सर? पुलिस तो सर हमारा ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है, इधर बैठने नहीं दे रहे हैं। कल आप स्थिति देखते ना, पुलिस ने आगे और पीछे से आप देखते पूरे फोर्स कर देती हमें। तो ये समझिए कि ये लोग रोज राठी खाते हैं, गुरुद्वारे में लंगर खा लेते हैं और फुटपाथ पर सो जाते हैं, ये हालात है। और यहाँ सैकड़ों ये अभ्यर्थी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। 2021 में नई भर्तियाँ निकाल ली गई हैं, नए लोगों को भर्ती किया जाएगा, लेकिन 3 साल प्रक्रिया चली है और सब लोग ओवर एज हो गए हैं। तो सरकार की हीला हवाले में, सरकार के ढीले रवैये में आज हालात ये हो गए हैं कि देश के लिए मर मिटने की कोशिश में ये लोग जाना चाहते थे भर्ती होकर के, देश की रक्षा करने के लिए।